क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी खूबसूरत बला थी जिसके देवता भी दीवाने थे, और अगर कोई भी शख्स उसे एक भी नजर उठाकर देख लेता तो वो शख्स पत्थर का बन जाता था। एक ऐसी खूबसूरत बला जिसको श्राप ने उतना ही ज्यादा खौफनाक और दिलचस्प बना दिया। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी के एक ऐसे ही अनसुने अनसुलझे रहस्य से आपको रूबरू कराने, जिसे कहानियों की भाषा में कहते हैं मेड्यूसा। ये कहानी आज से लगभग 3000 साल पहले ज्यूस की जमीन पर घटी थी, जिन्हें आसमान और बिजली का देवता भी कहा जाता है। मेड्यूसा का जन्म बहुत ही अलग तरह से हुआ था। वो समंदर के देवता फोसायरस और सीटो की बेटी थी, और वो जन्म से बिल्कुल एक आम इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा खौफनाक थीं। मेड्यूसा की दोनों बहनों का नाम स्थीनो और इराइल था, और वो दोनों ही अमर थीं। उनके बालों की जगह सांप होते थे, लेकिन दूसरी तरफ मेड्यूसा एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, जो कि पूरी तरह से इंसान थी और ना ही वो अमर थी। मेड्यूसा खूबसूरत होने के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा शांत और सरल स्वभाव की थी। मेड्यूसा देवी एथिना की बहुत ही ज्यादा बड़ी भक्त थी। देवी एथिना जो कि कुंवारी थी, और उनका भक्त बनने के लिए हर शख्स को कुंवारा और पवित्र होना जरूरी था, और इसीलिए मेड्यूसा ने देवी एथिना की भक्त बनना चुना और ये कसम खाई कि वो उम्र भर कुंवारी रहेगी और हमेशा देवी एथिना की पूजा करेगी। लेकिन मेड्यूसा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि दूर दूर से लोग देवी एथिना के मंदिर में सिर्फ मेड्यूसा को देखने आते थे, और ये बात देवी एथिना को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेड्यूसा ने आज तक कोई भी गलती नहीं की थी जिसकी वजह से देवी एथिना उसे किसी भी तरह की सजा दे सकें। मेड्यूसा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि समुद्र के राजा पोसाइडन का दिल उस पर आ गया था, और बार बार मेड्यूसा से अपने प्यार का इजहार करने पर भी मेड्यूसा ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो देवी एथिना की भक्त थी और वो कभी भी अपनी कसम तोड़कर शादी नहीं कर सकती थी। और ये बात पोसाइडन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसीलिए एक दिन जब मेड्यूसा देवी एथिना की पूजा कर रही थी, तभी पोसाइडन वहां आ गया और उसने जबरदस्ती मेड्यूसा की पवित्रता को देवी एथिना के मंदिर में ही भंग कर दिया। मेड्यूसा देवी एथिना से बार बार अपनी इज्जत बचाने की विनती करती रही, लेकिन एथिना ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि देवी एथिना जलन की वजह से खुद ही ये चाहती थी। और जब पोसाइडन अपने गंदे मंसूबे पूरे कर चला गया, तब मेड्यूसा ने एथिना की मूर्ति के सामने रोते हुए पूछा कि क्यों तुमने मेरी इज्जत बचाने में मेरी मदद नहीं की। और तभी एथिना मेड्यूसा के सामने आई और मेड्यूसा को गुस्से में ये श्राप दे दिया कि तुमने अपनी कसम तोड़ी है, तुम अपवित्र नहीं हो, तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, और अब मैं तुमसे वही खूबसूरती छीन लूंगी। और देवी एथिना ने मेड्यूसा को ये श्राप दिया कि उसके बाल सांप जैसे बन जाएंगे, और वो जिस किसी को भी देखेगी वो पत्थर की मूर्ति में तब्दील हो जाएगा, और पूरी जिंदगी मेड्यूसा को ये श्राप भुगतना पड़ेगा। मेड्यूसा को कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, और वो हमेशा लोगों की नफरत और अकेलेपन में जिएगी। और इसके बाद देवी एथिना वहां से चली गई, और मेड्यूसा एक खौफनाक राक्षस में तब्दील हो गई। देवी एथिना ने मेड्यूसा को इंसानों से बहुत ही दूर एक अलग और अकेली जगह पर मरने के लिए छोड़ दिया, और मेड्यूसा इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि जिस भगवान को उसने अपना सब कुछ बनाया, उनकी पूरे दिल से पूजा की, उन्होंने ही उसके साथ ऐसा किया। जो लोग कभी मेड्यूसा की खूबसूरती को देखने आते थे, वो आज उसके सिर को काटने के लिए शर्त लगाते हैं, ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके। मेड्यूसा बहुत ही ज्यादा दुखी रहती थी। वो ना चाहकर भी लोगों को पत्थर का बना देती थी, और अब मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरों को पत्थर का बना दिया करती थी। लेकिन मेड्यूसा का अंत बहुत ही ज्यादा खौफनाक हुआ था,
मेड्यूसा को ज्यूस के नाजायज बेटे पर्सियस ने मारा था और मेड्यूसा को मारने के लिए हेडीज ने पर्सियस को एक अनोखा हेलमेट दिया जिसकी मदद से वो गायब हो सकता था। एथीना ने उसे अपनी ढाल दी जिसकी मदद से वो मेड्यूसा की नजरों से खुद को बचा सकता था और ज्यूस ने उसे एक ऐसी तलवार दी जो कि बहुत ही ज्यादा तेज थी, वो पलक झपकते ही मेड्यूसा की गर्दन को काट सकती थी। और इसी तरह पर्सियस ने मेड्यूसा की जान ले ली। कहते हैं जब मेड्यूसा की मौत हुई तो वो पोसाइडन के बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसकी मौत के साथ ही उसके शरीर से एक सफेद पंखों वाला सुनहरा घोड़ा और एक विशाल राक्षस निकला। उस घोड़े का नाम था पेगासस और उस राक्षस का नाम था क्राइसस। पर्सियस ने मेड्यूसा को मारकर खुद को हीरो साबित कर दिया और मेड्यूसा के कटे हुए सिर से बहुत से युद्ध जीते, कई राक्षसों का अंत भी किया और बाद में मेड्यूसा का कटा हुआ सिर देवी एथीना को ही दे दिया और देवी एथीना ने मेड्यूसा के कटे हुए सिर को अपनी ढाल के ऊपर लगा लिया। आज हम मेड्यूसा के कटे हुए सिर को कई लोगों के हाथों में देखते हैं और ये सोचते हैं कि मेड्यूसा एक राक्षस थी और कैसे उसे देवताओं ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी से हराया। लेकिन जो हम नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं वो ये है कि कैसे उन्हीं देवताओं ने मेड्यूसा के साथ इतना गलत किया, उस निर्दोष पर कितने अत्याचार किए। उसने सब कुछ सहा, सब कुछ किया और अंत में उसे ही मौत मिली। और जब इतना काफी नहीं था तो उसकी ये कहानी जो कि उसके दर्द, उसका अकेलापन, उस पर किए गए ढेर सारे अमानवीय अत्याचार और साथ ही कईयों की साजिश दिखाती है, उसे इतिहास में कहीं दफन कर दिया गया ताकि वो कभी भी मेड्यूसा किसी को भी अपना दर्द न सुना सके, न समझा सके। आपका क्या मानना है कि मेड्यूसा सिर्फ एक राक्षस थी या फिर एक सताई हुई मासूम सी लड़की जिसके साथ बेहद बुरा सलूक किया गया? क्योंकि मेरी नजर में तो मेड्यूसा कोई राक्षस नहीं थी, उसे जबरदस्ती एक राक्षस बना दिया गया। आज कई मूवीज में हमें मेड्यूसा को एक राक्षस बनाकर दिखाया जाता है और उसे एक खौफनाक मौत दी जाती है, लेकिन कोई भी उसके दर्द को नहीं दिखाता जो कि उस पर देवताओं ने किया था। उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला और वो एक मासूम लड़की से एक खौफनाक राक्षस पर इतिहास में कहीं दफन हो गई। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं और आपका ये मानना है कि मेड्यूसा की ये अनकही और अनसुनी कहानी का दर्द सभी को पता चल सके तो इस वीडियो को हर किसी के पास लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी खास कहानी को आप तक पहुंचाऊं तो हमें कमेंट करके अपने सजेशंस जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।